हेलो फ्रेंड्स, इंडियन जड़ी बूटी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जड़ी बूटियाँ वर्षों से हमारे लिए एक औषधि रूपी वरदान के रूप में साबित हुई हैं। जड़ी बूटी ऐसी वनस्पतियों को कहते हैं जो खासकर हमारे स्वास्थ्य संबंधी या फिर चिकित्सा के लिए उपयोगी हो या फिर सुगंध आदि प्रदान करती हो, यानी कि हम उसको एज अ परफ्यूम भी उपयोग में ला सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको केवड़ा का है। केवड़ा जो खासकर पेठे की मिठाई में आप इस फ्लेवर को यूज़ करते हैं। जड़ी बूटी का विशेष महत्व उसके औषधीय गुण के कारण है। इसका इस्तेमाल औषधीय रूप से बहुत ज़्यादा जगहों पर वैकल्पिक रूप में किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में इस परंपरा में थोड़ा बदलाव आया है। विकास के नाम पर इस परंपरा को प्रभावित किया जा रहा है। अगर हम एक नज़र देखें तो इसका इस्तेमाल विशेषकर औषधि ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे इम्यूनिटी वर्धक हो या फिर हम इसको गुड ऑक्सीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती हो तो हम इन औषधियों का उपयोग इंडोर प्लांट्स के रूप में अपने घरों में भी कर सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है तुलसी। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में जड़ी बूटियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। जड़ी बूटी भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति रही है। जड़ी बूटियों को अगर हम देखें तो जड़ी बूटी में जंगली जड़ी बूटी ही नहीं, खासकर हमारे किचन में मिलने वाले कुछ मसाले भी इसका उदाहरण हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप गरम मसाला यूज़ करते हैं, अगर गरम मसाले की हम बात करें तो उसमें इलायची, काले मिर्च, सौंठ, ये सब हर घर में उपलब्ध होता है और हम बहुत ही आराम से इन औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। जंगली जड़ी बूटियों में गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, ब्राह्मी, अशोक, नीम, सहजन और तुलसी तो शामिल है ही। ये सारी जड़ी बूटियाँ हमारे औषधीय रूप को या औषधीय ज़रूरतों को पूरा करती है। साथ ही अगर हम देखें या एक रिसर्च करें तो हमारे आयुर्वेद में लगभग 1200 जड़ी बूटियां हैं और हर जड़ी बूटी के अपने फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी जड़ी बूटी का प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तो हो सकता है आपके मर्ज की दवा वो ना बन पाए। कोरोना काल में कुछ बूटियां ब्रह्मास्त्र साबित हुई हैं, जैसे कि गिलोय। अगर इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है तो गिलोय पीना है। तो हमारी परंपरागत जो जड़ी बूटियां हैं वो कुछ हद तक एलोपैथी को एक तरीके से थोड़ा सा डिफीट करती हैं, क्योंकि जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक दवाइयां हमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही इसे खाने से हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी अलग से होती है, जबकि एलोपैथी में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप एक मर्ज की दवा ले रहे हैं तो दूसरी बीमारी आपको नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इंस्टेंट अगर आप अपना इलाज चाहते हैं तो आप एलोपैथी को अपना सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको जड़ से कोई बीमारी ख़त्म करनी है तो आपको आयुर्वेद ज्वाइन करना होगा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको यूज़ करनी होगी। तो घर के किचन में काफ़ी सारे हमारे मसाले उपलब्ध होते हैं, जैसे कि जायफल हो गया, सौंठ हो गया, हल्दी हो गई, कच्ची हल्दी के रूप में भी हम हल्दी वाला दूध पीकर भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी औषधियां हैं जिनका उपयोग हम बहुत ही आराम से अपने घरों में कर सकते हैं। धन्यवाद।